प्राथमिक स्कूल में गैर हाजिरी को हाजिरी में बदलने का खेल, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बुलंदशहर में प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में तैनात अध्यापकों की गैर हाजिरी को हाजिरी में बदलने का खेल बदस्तूर जारी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और बेसिक शिक्षा अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने वायरल वीडियो की जांच खंड शिक्षा अधिकारी योगेश गुप्ता को सौंपी और कार्रवाई की बात कही। वायरल वीडियो बुलंदशहर विकास खंड के गांव नवादा स्थित प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापिका प्रियंका चौधरी का बताया जा रहा है, जिसमें अध्यापक उपस्थिति पंजिका में गैर हाजिरी को हाजिरी में बदला गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में धांधली किस हद तक जारी है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि अनुपस्थित होने के बावजूद अध्यापक उपस्थित रजिस्टर में कागज लगाकर उपस्थिति दर्शाने को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सरकारी धन का दुरुपयोग मानते हुए जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की बात कही है। यह प्रकरण जो है हमारे संज्ञान में आया है, उसकी जाँच के लिए हमने खंड शिक्षा अधिकारी को जो है निर्देश दिया है। जाँचोपरांत जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कौन से गांव का वीडियो बताया जा रहा है? ये जो है प्राथमिक विद्यालय नवादा। जी, तो वहाँ पर ये जो महिला शिक्षक हैं प्रधान अध्यापिका हैं सर वहाँ पे? प्रधानाध्यापिका जी। अब ये जांच के उपरांत जो है जो भी स्थिति होगी और जो भी दोषी होगा उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, इस तरह के जो कृत्य है उसको आप कितना गलत मानते हैं सर? यह तो बहुत ही जो है गंभीर मसला है जी। आप जाँच रिपोर्ट के बाद ही जो है उस पर निर्णय लेंगे कि क्या कार्रवाई जाएगी। तो सर, कब तक इसी जांच पूरी हो जाएगी? एक सप्ताह के अंतर्गत हमने जो है जांच के लिए किया है और एक सप्ताह के अंतर्गत वो जांच कर करके रिपोर्ट हमको उपलब्ध कराएंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए बुलंदशहर से अमित कुमार शुक्ला की रिपोर्ट।